सीहोर आए किसान नेता हार्दिक पटेल का कहना है कि प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि शिवराज मुख्यमंत्री बने। गुजरात से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार करने आए हार्दिक पटेल ने कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह ठाकुर के पक्ष में मतदाताओं से वोट डालने की अपील की। पत्रकारों के एक सवाल पर पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं कि शिवराज मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कहा कि बदलाव तो हर हाल में होगा। किसान पंचायत है, चुनाव नज़दीक है, यानी कि सब लोग कहेंगे राजनीति जनसफाई होगी, किसानों की बात होगी। लेकिन पिछले लगातार एक साल से मध्य प्रदेश के हर एक गांव और शहरों में जाते हैं, लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। क्योंकि जब तक जन जागृति नहीं होगी, जब तक खुद में चेतना नहीं होगी, तब तक हम अच्छे नेताओं को चुनकर नहीं ला सकते। और इसी मुद्दों के साथ जो किसानों की बातें हैं, जो युवाओं की बात है, उन बातों को लोगों के बीच में रखते हैं और जनता को खुद कहते हैं कि तुम अपना भविष्य का फैसला करो कि किन लोगों को आपको चुनकर भेजना है। और अच्छा चल रहा है, पूरे मध्य प्रदेश में माहौल भी अच्छा है और कांटे की टक्कर भी है। मुझे पहले था कि एक तरफा चुनाव होगा, लेकिन काफ़ी बदल चुका है, दोनों की ओर से मजबूताई से घोड़े उतर गए हैं और देखते हैं कि किसका घोड़ा आगे निकल